तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमको 2 फीट तक के गड्ढा करना है और इस पाइप की मदद से हम अर्थिंग प्लेट में पानी डालेंगे, जो कि आपको इसे अर्थिंग प्लेट तक डालना होगा और फिर हम इसे कट कर लेंगे। और उसी तरह से ये कॉपर तार को हम सीधा करके थोड़ा सा क्रॉस करेंगे ताकि इसमें नट बोल्ट आसानी से जा सके। और ये नट बोल्ट स्टेनलेस स्टील का है, जो कि कॉपर तार में हम अच्छी तरह से मजबूती से कस लेना है कि हम इस प्लायर की मदद से इसे कस लेंगे। अच्छी तरह से इसे पेच देना है ताकि ये लूज ना हो। अब इस अर्थिंग प्लेट में हमको इस बोल्ट के साथ कॉपर तार को मिलाना होगा। ये अर्थिंग प्लेट भी कॉपर की है और उसी तरह से अर्थिंग प्लेट में डालने के बाद नट बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लेना है, अच्छे से कस लेना है ताकि लूज कनेक्शन ना हो। और इसी तरह से अर्थिंग के गड्ढे में डालने के लिए के नमक है, कोयला है और ये काली मिट्टी है। और आप जानते हैं ये अर्थिंग प्लेट जो हम इसमें डालने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें कोयला डालेंगे फर्स्ट लेयर में, फिर इसके बाद नमक डालना है, सॉल्ट, नमक डालने के बाद मिट्टी, काली मिट्टी डालना है। काली मिट्टी चिपचिपी होती है, इसके लिए हम इसके यूज कर रहे हैं ताकि वो उसमें चिपचिपापन बरकरार रहे। और अब उसी तरह से इस अर्थिंग प्लेट को हमको इस अर्थिंग प्लेट को खड़ा रखना है। देखिए इस तरह से खड़ी रखना है ताकि इसमें अच्छे से अर्थ हो सके। फिर कोयले की लेयर, उसके बाद फिर नमक की लेयर, फिर मिट्टी, फिर कोयले की लेयर, फिर मिट्टी, फिर नमक। इसी तरह से उस गड्ढे में और मिट्टी थोड़ी डाल देना है। ताकि हम अभी पानी डालने वाले तो सेट हो सके मिट्टी। हम इस कॉपर तार को अच्छे से छील करके इसमें वायर जॉइंट कर देंगे ताकि आगे हमको प्रॉब्लम ना हो। और केसिंग पट्टी में ये वायर को डाल करके बोर्ड तक पहुंचाना है हमको, ठीक है। अच्छी तरह से पेच देना है ताकि लूज कनेक्शन ना हो और कार्बन पैदा ना हो। इसको हम टेपिंग भी कर देंगे ताकि मजबूती बरकरार रहे।
और ये पाइप पानी के लिए डालते हैं, और हम इसी में इस वायर को भी डाल देंगे, ताकि इस वायर को हम अलग से भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसी के अंदर इसको डाल रहे हैं। ठीक है, अब इस अर्थिंग के लिए हम इसमें गड्ढे में पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, देखिए कुछ इस तरह से। और ये गड्ढे में मिट्टी लेवल में कर देंगे। और इस पाइप को क्लैंपिंग कर देते हैं ताकि ये हिल ना सके। और इस पट्टी केसिंग पट्टी की मदद से हम वायर को, इस अर्थिंग वायर को बोर्ड तक पहुंचा देंगे, मेन बोर्ड तक, जहाँ पर हमको अर्थिंग की ज़रूरत हो वहाँ पर इसे पहुँचा देंगे, अर्थिंग वायर को। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, इस अर्थिंग वायर को हमने नीचे से अर्थिंग करके लाया हुआ है, तो इसको हमको चेक करना होगा। तो देखिए किस तरह से चेक करते हैं अर्थिंग को, किसी भी अर्थिंग को आप किस तरह से चेक करते देखिए। ये है एलईडी बल्ब और होल्डर के साथ हमने वायर को जॉइंट कर दिया है, और ये इधर लटका देते हैं ताकि ये हमको तकलीफ ना हो और आपको भी आसानी से दिख सके। पहले हमने इसको न्यूट्रल फेस पर चालू कर दिया है ताकि आपको समझ में आ सके ये क्या चल रहा है। एक वायर पर हमने फेज लगाया है और एक पे न्यूट्रल जॉइंट कर दिया था। अब हमको पहले देखिए ये फेस है, दिख रहा है, देखिए। अब न्यूट्रल की जगह पर हम अर्थिंग वायर को इस वायर में जॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब फेस की जगह पर हम फेस वायर को, आपकी परफेक्टली अर्थिंग हो चुकी है। तो ये होता है, इस तरह से आप अर्थिंग कर सकते हो और अर्थिंग को चेक कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू।